पसमंदा समाज, मुसलमान समाज, हमें हमारे देश का दुर्भाग्य दिया। आप लोग टीवी में एनालिसिस करते हैं और एनडीटीवी वाले भी करते हैं, क्या करेंगे, बनिए कितने, क्षत्रिय कितने, ब्राह्मण कितने, ढिगने कितने, फलाने कितने। आप ये नहीं कहते हिंदू इतने परसेंट, मुसलमान में भी जातियां हैं, लेकिन आपको मालूम तक नहीं होगा, न कभी जाति का उल्लेख करते हैं। और उसका कारण क्या है कि वहाँ जो एक अगड़ा वर्ग है उसने ऐसा कब्जा जमाया है, कुछ ही परिवार हैं जिनका ठेका है, न नीचे शिक्षा है। अब देश का इतना बड़ा वर्ग देश की विकास यात्रा में अगर भागीदार नहीं बनता है तो देश का नुकसान है। तो मेरे मन में रहता है कि मेरे देश की विकास यात्रा में समाज का आखिरी तक, इसलिए वो मुसलमान है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और हिंदू पर नहीं देना चाहिए, और हिंदू पर देना चाहिए मुसलमान, ये मेरा तरीका नहीं है। समाज में अनटैप जो पोटेंशियल पड़ा हुआ है उन सबको हमने सामर्थ्य देना चाहिए, हैंड होल्डिंग करना चाहिए। पसमंदा समाज के प्रति मेरा ये भाव है कि उसमें सचमुच में, मैं तो मेरा गांव जिस मेरा घर परिवार है, मेरे अगल बगल में जो मुस्लिम परिवार है, मेरा मैं एक मुस्लिम बस्ती में ही बड़ा पला हूँ, मेरा घर वहीं है, वो ज़्यादातर ये भाड़ भूजा वगैरह जिसको कहते हैं उस प्रकार के समाज के लोग हैं, जो रुई करने वाले वगैरह। अब वो अलग अलग राज्यों में उनके नेम अलग हैं, लेकिन अब उनकी हालत मैं देख चुका हूँ जी। और इस तब मैं कहता हूँ कि भाई पसमंदा समाज में शिक्षा बढ़नी चाहिए, पसमंदा समाजों के लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। तो मेरा भारत की विकास यात्रा में इतना बड़ा वर्ग भागीदार कैसे बने, ये मेरा विषय है।